भाद्रपद माह में धर्म कर्म व्रत आदि करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे ही साल 2024 में 31 अगस्त को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शनि प्रदोष व्रत करना विशेष फलदायी होगा। जिन जातकों पर शनि देव की साढ़े साती और ढैया चल रही है उनके द्वारा इस दिन शनि देव की पूजा अर्चना करने पर विशेष फल प्राप्त होगा। इस दिन सभी 12 राशियों के जातकों को शनि देव जनित कष्टों से मुक्ति मिलेगी। शनि प्रदोष व्रत की विधि और पूजन विधि के बारे में और अधिक जानने के लिए हमने हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से बातचीत की। उन्होंने लोकल 18 को क्या कुछ कहा है, सुनिए। 31 अगस्त को शनि प्रदोष व्रत का महत्व है, अर्थात उस दिन शनि प्रदोष व्रत पड़ रहा है। विशेष बात यह है कि जो जितने भी हमारे 28 नक्षत्र हैं, उनमें सबसे जो प्रमुख जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, उसमें शनि प्रदोष का आगमन हो रहा है। तो शनि प्रदोष व्रत का बहुत बड़ा महत्व है और जितनी भी हमारी 12 राशियां हैं उन सबके लिए हितकर है। साथ ही जो कुंभ एवं मकर राशि है वो शनि को बहुत प्रिय है, क्योंकि इन राशियों के स्वामी शनि हैं। तो शनि प्रदोष के दिन हमें घर में ही रह करके प्रातःकाल स्नान ध्यान करके अपने मंदिर में बीज मंत्र की एक माला ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनय नमः, इस मंत्र की एक माला अपने घर के मंदिर में ही बैठ करके एकाग्र मन से पवित्र मन से करें, जिससे कि शनि प्रदोष के दिन जो इस मंत्र का बीज मंत्र का पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त जो जितनी भी राशियां हैं उन और जिनके ऊपर साढ़सती एवं ढैया चल रही है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि शनि प्रदोष के दिन हम भगवान शनि को मनाएं और उनकी विधि विधान से पूजा करें। जिन जातकों के ऊपर साढ़सती एवं ढैया का प्रभाव है उनको शनि दोष की निवृत्ति के लिए, उसके जो दुष्प्रभाव से बचने के लिए उस दिन हमें घर में रह करके एक पवित्र मन से पूजा करनी है और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है और साथ ही मंत्र का उच्चारण करें, जैसे कि ओम सन्नो देवी रविष्ठ है आपको भवंतु पीते ओम सम्यो रवि समर्पण है, इस शनि मंत्र का उच्चारण करके दिया जलाएं और हाथ जोड़ करके थोड़ी देर वहां पर बैठें और शनि रहेगा ध्यान करें और इसके पश्चात दान कर सकते हैं। कुछ भी जो अन्न दान या वस्त्र दान